शरीर पर महंगे कपड़े, आंखों में रेवन का चश्मा और महंगे जूते पहनकर कई चोरियों को अंजाम देने वाले ग्रेजुएट गैंग का पटना पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। यह गैंग लॉकडाउन के दौरान 8 बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। अभी तक इस गैंग ने 18 चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बताते चलो कि यह गैंग काफ़ी सातिर है और बड़े पास इलाके में बने अपार्टमेंट को टारगेट करता है। एसएसपी ने बताया कि 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 4 सातिर चोर हैं। एक रिसीवर है जो ज्वेलरी खरीदने का काम करता था। दूसरा इन लोगों के पैसे को ठिकाने लगाने का काम करता था। उनके पास से 1,80,000 नगद, 350 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी भी बरामद किया गया है। पुलिस इस गैंग के और सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं पूछताछ में इन अपराधियों ने खुलासा किया कि करीब 12 लाख के जेवरात अब तक बेच चुके हैं। इसके बावजूद इनके पास से पुलिस को लाखों के जेवरात मिले हैं। गिरफ्तार 6 अपराधियों ने बताया कि वे कई बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा के घर भी इसी गैंग ने चोरी का प्रयास किया था। पूछताछ में इन बदमाशों ने कई अहम जानकारियां दी हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ताला तोड़ते थे और उसके बाद अंदर से जो भी कैश और ज्वेलरी मिलता था उसे चोरी कर लेते थे। इसमें एक हाई प्रोफाइल चोरी का प्रयास भी किया गया था राजीवनगर थाना क्षेत्र में एक माननीय के घर पर। हालांकि उसमें चोरी करने में सफल रहे थे ये लोग। अब तक इन लोगों ने कुल 8 चोरियों को पिछले 2 महीने में कबूला है और इनकी निशानदेही पर हम लोगों ने काफ़ी जेवर बरामद किए हैं और कैश बरामद हुआ है। लगभग 50 ग्राम के सोने के आभूषण हैं जो कि चोरी वाले हैं। उसके अलावा लगभग 300 ग्राम सोने का आभूषण है, उसको हम लोगों की पहचान करवाना बाकी है। नगद 1,80,000 रुपये बरामद हुआ है। एक हथियार है पिस्टल जो मोटरसाइकिल चोरी के दौरान इस्तेमाल हो रहा था, तो तीनों मोटरसाइकिल बरामद है। 5 गोलियां हैं, 2 किलो से ज़्यादा चांदी के आभूषण हैं और कुछ स्वर्ण जैसे भी आभूषण हैं जो कि अगेन चोरी के ही हैं। तब इन सब का हम लोग विक्टिम से जो फैमिलीज हैं उन सबसे TIP कराएंगे। सीसीटीवी फुटेज में भी हम लोग को अच्छी लीड्स मिली थी, उसका भी हम लोग एविडेंस डायरी में लाएंगे। राजीव नगर, शास्त्री नगर, गर्दनी बाग, श्री कृष्णापुरी, जक्कनपुर, अगम कुआं, आलमगंज, इन क्षेत्रों में इन लोगों ने घटनाओं को अंजाम दिया था। इनका मोडस बहुत खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस ऐसा है कि किसी को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग ये लोग चोर हैं, पढ़े लिखे सब हैं और सब लोग सुल्तानगंज के रहने वाले हैं। ये लोग रैंडम टारगेट सेलेक्ट करते हैं, किसी अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, बढ़िया वेशभूषा में जाते हैं। कोई गार्ड इनको नहीं डाउट करेगा कि ये कोई अपराधी है। अच्छा कपड़ा पहन के जाना, अच्छा गॉगल्स लगा के जाना, टोपी लगा के जाना, बिना नकाब पहने जाते हैं, कोई डाउट कोई नहीं करेगा। गार्ड अगर रोकता भी है तो ये बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, अच्छा हम 302 में जा रहे हैं, मालिक से बात करा देते हैं। और एक्चुअली में इनका जो आदमी होता है वो बाहर खड़ा रहता है, उसी से बात करा देते हैं, तो वो बोल देता है कि हाँ आने दीजिए 302 में आने, तो गार्ड को कोई डाउट नहीं रहता है। होना ये चाहिए, गार्ड को खुद फ़ोन करना चाहिए मकान मालिक को। लेकिन ये जो नेग्लिजेंस लोकल लोग करते हैं, इसी तरह से घटना घटी थी छठधाम अपार्टमेंट वाली। मैंने उस वक्त भी आप लोगों को बताया था कि एक सिक्योरिटी पुलिस प्रोवाइड करती है और एक सिक्योरिटी लोगों को खुद पे भी रखना होता है। वो जहाँ उसमें नेग्लिजेंस आता है वहाँ घटना को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये लोग अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, उसके जो अपार्टमेंट का ताला बंद दिखा उसको टारगेट करते हैं, 15 मिनट में जो मिला सामान उसको लेकर बाहर निकलते हैं। इस तरह से इन लोगों ने बहुत चोरियाँ की। इन लोगों ने अभी तक जो हम लोगों को बताया है लगभग इन लोगों ने 12 लाख का आभूषण बेचा है। हम लोगों ने जो अभी बरामद किया है वो 50 ग्राम सोना का मतलब हुआ आज की रेट में 2 लाख रुपया और 2 लाख रुपया कैश है, लगभग 4 लाख का बरामदगी हुआ है। 200 ग्राम सोना है, 2 किलोग्राम से ज़्यादा, वो भी कुछ पैसा है। तो सब अभी बरामदगियाँ नहीं हो पाई हैं और रेट्स चल रहे हैं। 2-3 रिसीवर से नाम इन लोगों ने और बताया है जिसके ऊपर रेट्स चल रही हैं और फरार हैं, तो उसकी बरामदगी नहीं हो पाई। इनके 2 और साथी हैं, टोटल अरेस्टिंग 6 है, जिसमें से कि 4 चोर हैं, 1 रिसीवर है और 1 व्यक्ति और है जो इन लोगों का पैसा इधर उधर हैंडल करता है। सबको हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं।
अब तक इन लोगों ने 18 चोरियों की घटना को 2019 और 20 की दुगुला है। बरामद ये 8 केसेस रिलेटेड हुई, ये 8 केस वो हैं जो कि लॉकडाउन में इधर 2 महीने में हुए थे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब ग्रेजुएशन सब किया, पढ़ा लिखा है, इंटर है, ग्रेजुएट है, और लोगों का व्यवसाय भी है, कोई कपड़ा की दुकान में काम करता है, किसी का अपना कोई बिजनेस है, कमाई का कोई लिमिट नहीं है। आपराधिक इतिहास नहीं है, अब तक तो नहीं था, अब तक इन्होंने बोला है कि अब तक हमें कोई जेल नहीं गया। सभी की गिरफ्तारी किन किन थाना क्षेत्रों से? जगनपुर थाना से गिरफ्तार हुए, और बाद में फिर रेड हुआ है, कदम कुआं एरिया में रेड हुआ और सुल्तानगंज एरिया में रेड हुआ, जहाँ से रिकवरीज हुई हैं, जिन रिसीवर से यहाँ लोगों ने भेजा था। इन लोगों का घर भी सर्च हुआ, हाउस सर्च हुआ, वहाँ से भी कुछ ज्वेलरीज मिली, वहाँ से भी कुछ कैश बरामद हुआ है। जहाँ बेचा इन लोगों ने, उन दुकानदारों पर भी पुलिस दबिश दे रही है? हाँ, उनमें से वही बताया मैंने, एक दुकानदार गिरफ्तार हुआ है, उसको जेल भेज रहे हैं, दूसरे के बारे में जो पता चला था वो फरार हो गया है, उसके हमें कार्रवाई कर रहे हैं। सर एक फतवा का मामला है, समय बीता है, उस दौरान बाकी अपराधों में भारी कमी आई थी, और अप्रैल महीने में मात्र 3 प्रॉपर्टी ऑफेंस हुआ था, और मई महीने में मात्र 5 प्रॉपर्टी ऑफेंस हुआ है, और वो सब डिटेक्टेड है, सबको जेल भेजा गया है। इसमें कुछ तो लॉकडाउन का भी असर था और कुछ पुलिसिंग की भी प्रयास थी। पिछले